मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किरण प्रकाश की यौन प्रकाश यंत्र चैप्टर नंबर 9 इसको कंप्लीट कर दिया था। इसमें दो चीज़ें रह गई हैं सर, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये दोनों हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते समय बोर्ड पर बताएंगे, बोर्ड पर आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर को हमने सॉल्व करवा दिया है। तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हमने पूरा नहीं सॉल्व करवाया है, चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल था। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तो इस तरीके से हमने लगभग 8 या 9 क्वेश्चन उस चैप्टर के टोटल सॉल्व किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है सेम उसी तरीके से लगेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग राइट कीजिए या खुद उसको सॉल्व कीजिए। और एक तरीका हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका कोई नया तरीका नहीं है, बार बार वो तरीका हम आपको बताते हैं कि चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप एक पेज पर राइट कर लीजिए और क्वेश्चन लगाते समय फार्मूले को अपने सामने रखिए, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे, क्योंकि फार्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फार्मूला जल्दी याद होता नहीं है। और उसको याद करने से बेटर है कि आप जो हम तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, फार्मूला याद भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। अध्याय 10 तरंग प्रकाश की क्या चीज़ है? तो इस हालांकि हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत में कमेंट करके हमको ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो तरंग प्रकाश की चैप्टर पढ़ने से पहले हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में जानना होगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति, या सीधे सीधे कह सकते हो नेचर ऑफ लाइट, या प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश ही तरंग सभी तरंगों का लगभग सोर्स होता है। तो प्रकाश की प्रकृति देखिए, प्रकाश की पहली जो नेचर है या क्वालिटी है या प्रकृति कह सकते हो, प्रकाश का सरल रेखा में चलना। तो प्रकाश सरल रेखा में कैसे चलती है, इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में ही चलती है? तो इस बात का प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रकाश के मार्ग में जो भी चीज़ें पड़ती हैं या जो भी वस्तु रखी जाती है, उस वस्तु की छाया का बनना, तथा सूर्य व चंद्रमा यानी ये जब संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य व चंद्र ग्रहण का पड़ना प्रकाश के इसी गुण को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसमें होता क्या कि सूर्य की प्रकाश सीधे पृथ्वी तक आती है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी कभी चंद्रमा आ जाता है, और कभी क्या होता कि चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो इस तरीके से चीजें आ जाने से चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण लगती हैं, तो ये इसी बात का इंडिकेट करती हैं, इसी बात को पुष्टि करती हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, सूर्य, तो इस बात की पुष्टि कैसे होती है, इसको प्रूफ कैसे करोगे? इसका प्रूफ यही है कि सूर्य तथा नक्षत्रों का प्रकाश निर्वात से होकर ही पृथ्वी पर आता है, क्योंकि एकदम नक्षत्रों के पास या सूर्य और नक्षत्रों के बीच, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत सारे एटमॉस्फियर है, कुछ ही लेयर तक जो है गैसें या अन्य सारी चीजें पाई जाती, ऊपर जो है बिल्कुल निर्वात होता है, तो वो निर्वात से होकर ही पृथ्वी तक आता है। प्रकाश में परावर्तन, अब प्रकाश में परावर्तन का भी गुण होता है, तो इसका परावर्तन की घटना आप लोग डेली देखते हैं कि प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। और भी क्वालिटी है, तो सारा प्रूफ आप लोग खुद ही समझ जाइएगा, और नहीं जो थोड़ा हार्ड लगेगा उस प्रूफ को हम बता देंगे कि इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे। बाकी तो प्रकाश में अपवर्तन ये पीछे पढ़ा चुके हैं, प्रकाश में बर्ण विक्षेपण ये भी पढ़ा चुके हैं। अब प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण कैसे होता है ये चीज़ नहीं बताया, तो इसको देखिए। जब एक वर्णीय प्रकाश पुंज किस एक साथ
किसी एक ही स्थान पर पड़ता है या गुजरता है तो उस स्थान की तीव्रता क्या हो जाती है, तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और जबकि कुछ बिंदुओं पर लगभग अधेरा ही रहता है। इस घटना को व्यतिकरण, यानी प्रकाश पुंज एक साथ कहीं पड़ती है तो क्या होता है, कहीं किसी बिंदु पर बहुत ज्यादा चमक होती है और किसी किसी बिंदु पर थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता है या अंधेरा ही रहता है, तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जब टार्च को जलाइए तो टार्च से एक साथ प्रकाश किरणें निकलती हैं, कहीं पर भी अगर पड़ रही हैं तो जितनी दूर पर पड़ती हैं वहां आप अगर ध्यान से देखें तो पूरा जो है, जितनी सतह पर पड़ रही पूरी सतह उसकी जो है चमकीली नहीं होती, कुछ सतह जो है वो अंधेरा भी हो, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें धुंधला दिखाई देता है, तो वही है व्यतिकरण की घटना। प्रकाश में विवर्तन की घटना कैसे होती है, जैसे कोई छोटा सा छेद है या छिद्र है तो किनारों पर उसमें क्या होता है, प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है, किसी छिद्र से प्रकाश जब होकर गुजरती है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है और इसी मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश में ध्रुवण प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। तो ये प्रकाश के यानी प्रकृति के बारे में था, प्रकाश के नेचर के बारे में था। अब आइए हम लोग अपने चैप्टर यानी टॉपिक पर आते हैं। तो जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हाइगेंस का सिद्धांत, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो भाई वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में से कोई एक घटना जरूर पूछी जाती है। तरंगों का कला संबंध यो, कला असंबंध यो, ये भी आपको पढ़ना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग प्रयोग, ये यंग प्रयोग भी बहुत पूछा जाता है। विवर्तन और ध्रुवण, उसके बाद पढ़ना है विवर्तन और ध्रुवण। तो यानी ये छोटा सा चैप्टर है और ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से लगभग आपको 8 मार्क्स आसानी से गेन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप कायदे से पढ़िए, ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स दे के जाएगा। हाइगेंस का सिद्धांत, यानी तरंगों के सिद्धांत के बारे में दो लोगों ने सिद्धांत दिया था, एक हाइगेंस ने दिया था, दूसरा न्यूटन ने दिया था, ठीक है। एक न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत है और फिर दूसरा है हाइगेंस का सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत जो है फेल हो गया था, वो काफी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इस वजह से वो फेल हो गया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें कि वो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत था क्या। प्रकाश के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से एक था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसकी जो कुछ बातें हैं वो देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रकाश जो है बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता और प्रत्येक प्रकाश सोर्स जो है इन कणिकाओं को क्या करता, उत्सर्जित करता। यानी कहने का टोटल, अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में ही संचरित होता है। यानी प्रकाश जो है वो जब चलता है तो छोटे 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 सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट है, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं। और ये चीज प्रकाश में भी यानी लाइट चैप्टर में भी बताया जा चुका है कि कोई चीज हमको तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। यानी जो प्रकाश में छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, यानी इन कणिकाओं में जो एनर्जी होती है ये गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। फोर्थ टॉपिक है, कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल से, यानी ये जो कणिकाएं हैं
कोई भी माध्यम हो, समांग माध्यम हो, तो उसमें जो है ये जिस स्पीड से लाइट चलती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है, और उसी स्पीड से ये कणिकाएं भी चलती हैं। प्रकाश जो है वो श्वेत प्रकाश होता है, उसमें सातों रंगों का मिक्सचर होता है, जिनमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, तो ये न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत है। ये सिद्धांत प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, अब ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो है प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, इन तीनों चीजों की व्याख्या करने में क्या हो जाता, फेल हो जाता है, यानी इन तीनों चीजों की ये व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए ये सिद्धांत जो है फेल हो जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम से अधिक होना चाहिए, यानी अगर इस सिद्धांत को हम फॉलो करें तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रकाश की जो वेलासिटी है वो सघन माध्यम में ज्यादा आ रही है और विरल माध्यम में कम, जबकि ये दोनों होते बिल्कुल उल्टा है। प्रकाश की चाल जो है वो विरल माध्यम में ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी देख ले, आप नॉर्मली रोड पर दौड़ रहे हैं तब ज्यादा तेज दौड़ेंगे, आपको बालू में दौड़ा दिया जाए या फिर कीचड़ में दौड़ा दिया जाए तब ज्यादा तेज दौड़ेंगे, तो वही चीज है। अब जो हमारा मेन है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार देखिए क्या है कि इसके अनुसार भी वही चीजें, सारी चीजें इनमें भी कही गई हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गया है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता। ठीक है, वो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था, कणिकाओं के रूप में चलता है, और हाइगेंस ने क्या कहा कि तरंगों के रूप में चलता है। कभी कभी दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, इसलिए हम दोनों चीज यहीं पर क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो ये टॉपिक आपका छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, जबकि न्यूटन के सिद्धांत में बताया गया था कि ये कणिकाओं के रूप में चलती है, और यानी इन्हीं तरंगों में कणिकाएं होती हैं। ये तरंगे प्रकाश के स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के, यानी ये सभी पॉसिबल जितनी भी दिशाएं हमको मिल सकती हैं, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करती हैं। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तरंग को चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने क्या किया कि एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर मान लिया, जो कि ईथर क्या है, भारहीन है, और ईथर ऐसा माध्यम है कि यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सके, और यह भी माना गया कि ईथर का जो घनत्व है बहुत कम और प्रत्यास्था जो है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगे भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती है, जबकि वहां पे क्या था न्यूटन में यह बताया गया था कि विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की कणिकाएं होती हैं उनका आकार अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, वहां आकार की बात की गई, यहाँ लंबाइयों की। ठीक है, और इन्हीं तरंगों को लेकर प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का भी सिद्धांत है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है उसको देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, जब किसी, अगर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखने के लिए आएगा तो आप सिर्फ यही इतना नहीं लिखेंगे कि यहीं तक नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको उसमें इसको भी लिखेंगे, प्रकाश की तरंगों के संचरण के संबंध में हाइगेंस की द्वितीय कणिकाओं का तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से कोई तरंग निकलती है, तो ये स्रोत की क्या होती है, चारों ओर स्थित जो माध्यम के कण है वो कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता। अब ये तरंगाग्र क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई माध्यम है, जैसे मान लो ये जल है, ठीक है, तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ, अब यहाँ पर कोई भी तरंग उत्पन्न हो रही है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा, तो यहाँ पर स्थित जितने भी कण हैं वो क्या होने लगते हैं, वो भी ऐसे 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 कंपन करने लगते हैं, यानी
इस पृष्ठ पर स्थित जितने भी कण हैं वो एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे होते हैं, यानी एक समान कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं। और एक समान कला में कंपन करने को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। सभी एक समान कला में क्या हो रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र धीरे धीरे क्या होती, आगे बढ़ती जाती है। और इन तरंगाग्रों का वेग भी जो प्राथमिक तरंगाग्र है, तरंग है, उसी के वेग के बराबर ये भी वेग उसी वेग से आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली बात है कि तरंगाग्र जो है वो कैसे होता, और तरंगाग्र जो है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन से? एक गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र जो है ये तीन टाइप का होता है। पहला गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और तीसरा जो है वो बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है। तो ये तीन टाइप के तरंगाग्र होती हैं। गोलीय तरंगाग्र कब उत्पन्न होता है? देखो, जैसे मान लो किसी माध्यम में स्थित रहने वाली सभी कण जो है समान कला में है, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। ये जो तरंगाग्र उत्पन्न हो रही, ये तरंग उत्पन्न होने का स्रोत अगर एक बिंदु है, तरंग उत्पन्न होने का स्रोत एक बिंदु है, तो जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा ये गोलीय होगा। जैसे मान लीजिए तालाब में अगर बीचों बीच हम एक पत्थर फेंक देते हैं, तो पत्थर क्या होगा, एक ही बिंदु पर जाके गिरेगा। ये जो मान लो ब्लैक मैंने किया है, तो यहाँ पे पत्थर पड़ रही है, तो यहाँ पे तरंगाग्र उत्पन्न हो जाएगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गोलाकार, यानी सभी तरंगे क्या हैं, गोलीय रूप में आगे बढ़ रही। अब बात आती है समतल तरंगाग्र। अब जैसे मान लो किसी तालाब में हमने क्या किया, ये तरंगाग्र धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत दूर बढ़ती जाएंगी, जितनी दूर होती जाएंगी उतना ही समतल होता जाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि तरंग जो उत्पन्न हो रही है, वो तरंग उत्पन्न का स्रोत बिंदु स्रोत ना होकर कोई दूसरा स्रोत हो। जैसे मान लीजिए किसी डंडे या लाठी से हम पीटते हैं, तो अब डंडा और लाठी इसमें पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, यानी बिल्कुल समतल तरंगाग्र, तो ये समतल तरंगाग्र हो जाएगा। अब बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय, जैसे रेखीय हो, तो स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। अब रेखीय का मतलब हुई लाठी, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हो, रेखीय मतलब एक रेखा में हो या छड़ नुमा हो, उससे कोई तरंग उत्पन्न हो रही हो, तो वो क्या होती, सभी संभव दिशाओं में आगे बढ़ने लगती। इस दशा में समान कला में पृष्ठ, समान कला में कंपन कर रहे हैं माध्यम के कणों का बिंदुपथ अगर हम ले लें, बिंदुपथ का मतलब क्या होता है, जो कण कंपन कर रहे हैं उनको मिला दिया जाए, यानी कैसे कैसे कंपन कर रहे हैं उनको ऐसे ऐसे मिला लिया जाए, तो जो हमारा पथ तैयार होगा वो बेलनाकार होगा। अतः इस स्थिति में तरंगाग्र जो होगा वो क्या होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम, प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत, यानी तरंगाग्र पर कोई भी माध्यम अगर दूसरा कण है, तो वो भी कंपन, यानी एक नया तरंग उत्पन्न हो गया, जिससे नई तरंगे सभी संभव, और ये तरंगे जो है उसी वेग से आगे बढ़ती हैं जिस वेग से प्रारंभिक तरंगे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब इसी में एक और है, ये चीज एक्सप्लेन करके दिखाई गई है आपको। ये चीज आप देख सकते हैं, अगर ये तरंगाग्र पास में है, जहां से स्रोत है, स्रोत के बिल्कुल पास में है, तो ये लगभग गोलीय तरंगाग्र। जैसे जैसे ये तरंग दूर होता जाता है, ये देखिए कैसे मिल रहा हमको, समतल तरंगाग्र मिल रहा, ठीक है। तो इसको हम एक टॉपिक बना के, ये कैसे गोलीय मिल रहा है, कैसे जो है ये समतल हो जा रहा है, इसको एक टॉपिक बनाकर हम कल एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो है
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कल एक वीडियो बनाएंगे, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, ये दोनों कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जैसे कहने का मतलब है, क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है? निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन। सारी चीजें हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली के डेली वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। इससे फायदा आप लोगों का ये होगा कि एग्जाम में आने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो डेली जो भी हम बहुविकल्पीय एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आप आंसर जरूर दीजिए। जितना आपको उसके बारे में पता है, आप बढ़ चढ़कर उसके बारे में आप लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जितना भी पता है, सारी चीजें डिटेल में लिखिए। लिखने से आपको चीजें कभी भूलती नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि चीजें हमको याद होती हैं, पर मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स, मतलब चलो हमको याद है क्यों लिखें, लेकिन ऐसा करने से माइंड जब आलस करता है तो समझ जाओ कि फिर वो कुछ देर बाद भूलना है, कन्फर्म है। तो अगर आप उसको लिख देते हो तो वो नहीं भूलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर पहले बताएंगे और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। हेलो, वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।